लगातार राजस्थान में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जोधपुर में भी कोरोना पॉजिटिव लगातार सामने आ रहे हैं। जोधपुर से हमारे संवाददाता सत्येंद्र फोनलाइन पर मौजूद हैं। जी सत्येंद्र, कैसे हालात हैं जोधपुर में कोरोना को लेकर, प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? यदि बात करें जोधपुर शहर की, तो जयपुर के बाद लगातार जोधपुर के अंदर मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यदि कल की बात करें तो जोधपुर के अंदर सबसे बड़ा यदि कह सकते हैं कोरोना का विस्फोट हुआ तो वो कल ही हुआ। करीब 30 मामले जोधपुर के अंदर कल एक ही दिन में कोरोना के आए हैं। वहीं यदि जोधपुर के विशेष क्षेत्रों की बात करें, चाहे वह उदय मंदिर क्षेत्र हो या नागौरी गेट क्षेत्र हो, वहां से काफी कुछ मामले दिनों दिन निकल कर आ रहे हैं। पुलिस के द्वारा वहां कर्फ्यू भी लगाया गया है, लेकिन वहां पर ये जो कोरोना के मरीजों का आने का सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जी आशीष। जी सत्येंद्र, ये जो आप बता रहे हैं 30 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, क्या ईरान से लाए गए थे, उन्हीं में निकले हैं सभी लोग, या फिर अन्य बाहर के जो कोरोना पीड़ित मिले हैं वो जोधपुर के स्थानीय लोग भी हैं? जी, यदि बात करें ईरानियों का तो पूरा सिलसिला ही लगे। ये जो कल 30 पॉजिटिव आए हैं वो सिर्फ जोधपुर मुख्य शहर के जो है वो एक ही दिन के अंदर 30 लोगों का पॉजिटिव आना बहुत बड़ी बात होती है, और कल एक ही दिन में जोधपुर के ही निवासी है जो कोरोना के पॉजिटिव नजर आए हैं। इसके बाद प्रशासन ने क्या एक्शन उठाया है, क्या कड़ा कदम उठाया प्रशासन ने? जी, यदि बात करें प्रशासन की, और जिला प्रशासन चिकित्सा विभाग पूरी तरह हरकत में आ चुका है। जो चिकित्सा विभाग की यदि बात करें तो उसने प्रत्येक गली मोहल्ले के अंदर सर्वे का काम चालू कर दिया गया है। 3 स्तरों पर यदि जोधपुर की बात करें गलियों के अंदर सर्वे हो रहा है, जिसके तहत जो 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग है उनको अलग से लिस्टेड किया जा रहा है। वहीं जो मधुमेह, हार्ट और इन बीमारियों से पीड़ित है उनको अलग से लिस्टेड किया जा रहा है, और अंतिम रूप से जिनको खांसी जुकाम या कुछ हल्के से भी सिम्टम्स दिख रहे हैं उनको अलग से लिस्टेड किया जा रहा है, ताकि भविष्य में यदि कोई उम्मीद दिखे तो लिस्ट के आधार पर उन सबका सर्वे किया जाए, उनका चेकअप किया जाए, जिससे ये मामला बढ़ने से रोका जा सके। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता सत्येंद्र सिंह, जिन्होंने जोधपुर के हालात पर अपनी राय दी, किस प्रकार से प्रशासन वहां पर अलर्ट मोड पर है और व्यवस्थाओं को माकूल इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं, लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, सभी व्यवस्थाएं सही समय पर लोगों को जरूरी चीजें मिल सके, इन तमाम बातों का ध्यान रखा जा रहा है। तो राजस्थान में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, कोरोना पॉजिटिवों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राजस्थान के 25 जिलों में कोरोना ने अपने पांव पसार दिए हैं। राजस्थान में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ना प्रशासन के लिए, आमजन के लिए, सभी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। राजधानी जयपुर में सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव सामने निकल करके आए हैं। राजस्थान में कुल कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 945 हो चुकी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं टोंक, जहां पर हमारे संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। फिरोज जी, फिरोज, क्या किस प्रकार के हालात है टोंक में, भी लगातार कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़ती जा रही है? हाँ, हेलो जी फिरोज, बताएं टोंक में किस प्रकार के हालात हैं? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा। हेलो जी, आवाज आ रही है फिरोज, बताएं। जी, मैं बताना चाहूंगा कि अब तक 59 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ चुके हैं टोंक के अंदर। जी, और अभी कर्फ्यू पूरी तरीके से जारी है टोंक में। जी, और अभी कल से अब तक अभी तक कोई कोरोना का अभी पॉजिटिव सामने नहीं आया, ये रात की बात है अभी। जी, संदिग्धों के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है टोंक में, जो इन पॉजिटिव केस है उनके संपर्क में आने वाले लोगों के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि अब तक 1246 कुल सैंपल लिए जा चुके हैं। जी, जिसमें से 565 नेगेटिव आए हैं और 622 लोगों की अभी जांच पेंडिंग है। जी, और क्वारंटाइन सेंटर में अभी 734 व्यक्तियों को रखा गया है और 7094 व्यक्ति होम आइसोलेट में अभी फिलहाल हैं। जिन लोगों को होम आइसोलेट किया गया है वो लोग घर से बाहर नहीं निकले, लोगों के संपर्क में नहीं आए, अन्य लोगों से उनको बचाया जा सके, तो इसके लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है टोंक जिला प्रशासन द्वारा? इसमें पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है, इसमें सभी चिकित्सक इसी व्यवस्था में लगे हैं कि ये लोग कहीं किसी और के संपर्क में ना आए और ना किसी तरीके से बाहर निकले, इसके लिए चिकित्सकों की टीम बना रखी है, वो पूरी तरीके से इस पे निगाह बनाए हुए है। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे टोंक संवाददाता फिरोज उस्मानी, जिन्होंने जानकारी दी टोंक में किस प्रकार की व्यवस्थाएं की है प्रशासन ने। राजस्थान में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में 48 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके बाद पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़कर 945 हो चुकी है।
आज के सभी पॉजिटिव केस जयपुर के मिले हैं, जिसके चलते जयपुर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 418 हो गई है। राजस्थान में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस 25 जिलों में सामने आ चुके हैं, जिसमें जयपुर, जोधपुर, बांसवाड़ा, टोंक और कोटा राजस्थान के टॉप 5 जिले हैं जहां पर कोरोना पॉजिटिवों की संख्या अधिक है। आपको बता दें कि राजस्थान में अब तक 11 कोरोना पॉजिटिव की जान जा चुकी है, जिनमें जयपुर में 4, भीलवाड़ा में 2, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अलवर और टोंक में 1-1 कोरोना पॉजिटिव की जान जा चुकी है। वहीं अब तक प्रदेश में 133 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं, जिनमें से 63 को अस्पताल से छुट्टी भी दी जा चुकी है।